ओके ओके मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। ठीक है सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप द लास्ट लेक्चर इज क्लियर टू यू। आई हैव टू डाउट्स फ्रॉम द लास्ट सेक्शन, लास्ट क्लास। वन इज द पॉइंट मेथड एंड वन इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। Let's start with the total expenditure method. I briefly explain you, and the point method also I'll briefly explain you, and then we'll continue with the today's section. Okay? If apart from these two, if there is any other doubt, then please mention. Right? So we were first. I'm going to consider the total expenditure method. Now, total expenditure is equals to price multiplied by the quantity. Means the quantity you purchased multiplied by its price. क्योंकि अगर मैंने 3 units खरीदे at the rate of 2 rupees, तो actual में मैंने कितने spend किए? 3 into 2, that is equals to 6. That is my total expenditure. ठीक है? So the total expenditure is equals to price into quantity. Okay? So if with the Now, total expenditure relates with what? Which relates with the price. Okay? If with the increase in the prices, total expenditure increases, for example. Now, if with the increase in price, total expenditure also increases. So now there are 3 options. अगर price increase हुई है तो आपका total expenditure increase हुआ है, या फिर decrease हुआ है, या फिर same रहा। Similarly, with the decline in the prices, again there are 3 options. आपका या तो total expenditure increase होगा, ठीक है, या डिक्रीज होगा, या फिर इक्वल रहेगा। दैट मींस जितना आप पहले स्पेंड कर रहे थे उतना ही अभी आप स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। सो देयर आर 3 options विद द चेंज इन द प्राइसेस। नाउ विद द इंक्रीज इन द प्राइस, विद द डिक्रीज इन द प्राइस, इफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, if with the decline in price total expenditure increases, that means elasticity of demand is greater than 1. greater ko zyada hi greater ban gaya. Okay, if with the decline in prices, अगर मेरा प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो उस केस में मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी? लेस देन 1. अगर दोनों, इफ डिक्रीज इन प्राइस मेरा टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही रहता है जितना मैंने पहले पे किया था, तो देन इट्स इक्वल्स टू 1. ठीक है, मैं एक सिंपल वे में बताऊं, अगर दोनों सेम, अब देखना ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 होगी, ठीक है, जैसे इस केस में भी है। अगर ये दोनों ऑपोजिट है, फॉर एग्जांपल जस्ट लुक एट ग्रीन लाइन, ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, यहां पे डिक्रीज कर रहा है, इन दिस केस टोटल एक्सपेंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सो अगर सेम है तो इन दैट केस इट्स इक्वल्स टू 1. आई थिंक आई यू गॉट इट, आई गेस इशू इज क्लियर नाउ। पॉइंट मेथड इज अ ग्राफिकल मेथड।
प्रोपोर्शनेट एंड परसेंटेज मेथड बिल्कुल रिलेटेड है. प्रोपोर्शनेट ही एक्चुअल में एक तरह से हमारा प्रोपोर्शनेट ही वो जो है प्रोपोर्शनेट ही परसेंटेज है. बस उसमें सिंपल जो है वो डिवाइड किया जाता है. ठीक है, सेम ही है, दोनों एक तरह से सेम ही है. परसेंटेज चेंज लिखोगे या प्रोपोर्शनेट चेंज लिखोगे, वन इज अ सेम थिंग. Now I am coming towards the point method. It's a graphical method. ठीक है, बहुत सिंपल है. कर्व शेप ग्राफ है हमारे पास. डिमांड कर्व है कर्व शेप का. किसी भी पॉइंट पे अगर इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट पे आप एक आर्क लगाओ. सॉरी, पॉइंट मैंने आर्क मेथड कर दिया था. सॉरी, कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट मेथड. ओके, सो दिस इज द पॉइंट मेथड. आई हैव अ डिमांड कर्व. डी डैश इज माय डिमांड कर्व. जिस पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जांपल ए बी C, E and F, ठीक है, A, B, C, E and F. राइट, ओके. अब उस पॉइंट पे पॉइंट मेथड लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व. कोई भी एक पॉइंट पकड़ो जिस पे आपने करना है, बस उसका लोअर पोर्शन और अपर पोर्शन को डिवाइड कर दो. जो ज्यादा है उस हिसाब से आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगी. फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व AF. पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व क्या है? AF. अपर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व जीरो. तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. तो इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इनफाइनाइट है. सिमिलरली एट पॉइंट F, लोअर पोर्शन इज जीरो. जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, ये इन बिटवीन है. लोअर पोर्शन एंड अपर पोर्शन दोनों सेम है, तो सेम फिगर को जब हम डिवाइड करेंगे उसी फिगर से, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू वन. इस केस में लोअर पोर्शन कम है, अपर पोर्शन ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन वन. एंड इस केस में ग्रेटर देन वन, क्योंकि मेरा लोअर पोर्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन. ठीक है, आई गेस जिनकी भी ये क्वेरी थी पॉइंट मेथड की, वो क्लियर होगी होगी. हाँ बच्चे, कंपल्सरी है या नहीं? कंपल्सरी इज इन द मैथमेटिकल सेंस. अगर आप राइटिंग में लिख रहे हो कि देर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप एंड एक्सप्लेनेशन भी लिख रहे हो नेगेटिव के अकॉर्डिंग, देन यू कैन स्किप द नेगेटिव साइन. ठीक है, सो दिस इज वॉट वी कैन से के जस्ट नेगेटिव साइन है, दैट इज बेसिकली पॉसिबल. मतलब हम इसीलिए लगाते हैं कि आप सबको ये पता लग जाए कि भी इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है, बट जो हमारे पास वो आता है ना मैथमेटिकल फॉर्मूले में, उसके नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए ये नेगेटिव साइन बेसिकली हम लगाते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन सॉरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट चाहिए, बट जो है हमारे पास मैथमेटिकल की एक्सप्लेनेशन थोड़ी डिफरेंट आती है. बिकॉज मैथमेटिक्स अपनी जगह ठीक है, इकोनॉमिस्ट अपनी जगह ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिस्ट रिलेशनशिप इज समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू द मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इसलिए हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है. सिमरन बच्चे, मुझे नहीं पता आप किस पॉइंट को प्लीज एक्सप्लेन कहते हो, तो आई टोल्ड यू एवरीवन, प्लीज अपना क्वेश्चन पूरा लिखा करो.
कि मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, दिस आई डोंट नो, क्योंकि उसके बाद पता नहीं आपने कब मैसेज लिखा है, कब चैट में मैंने पढ़ा, तो उसके बाद क्या करा दिया मुझे, आई एम नॉट श्योर. सो प्लीज एक्सप्लेन जो है पूरा क्वेश्चन किया करो बार, मतलब दिस अगेन. सो आई डोंट नो व्हाट दिस एग्जैक्टली मीन्स बिकॉज वी आर नॉट हैविंग अ वन टू वन कन्वर्सेशन, राइट? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट योर क्वेश्चन प्रॉपरली सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द थिंग यू वॉन्ट टू आस्क इन ए वन रो. ओके प्लीज एक्सप्लेन हिट फर्स्ट सो दैट अदरवाइज आई एम वेटिंग फॉर योर सिमरन फुल क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल स्टार्ट. फिर अगेन दिस ग्राफ बोल रहे हो ना, सिंपल लिखो मैम पॉइंट मेथड. So that in that case I can understand. Okay, please take care of this thing again. See, I'm taking you this. यहाँ पे आप किसी भी पोर्शन पे, किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी चेक करना चाहते हो, उसका एक ही फॉर्मूला है, दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, सो द लोअर पोर्शन डिवाइडेड बाय द अपर पोर्शन इज योर मेथड. कोई भी पॉइंट पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस जी पॉइंट एट ए रेड डॉट. नाउ यू कैन सिंपली अंडरस्टूड कि जी पॉइंट में लोअर पोर्शन ज्यादा है या अपर पोर्शन ज्यादा है, जो भी ज्यादा उस हिसाब से मैथमेटिक्स में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, बट वी कैन से दैट इट्स अ मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक. ठीक है, सो एट फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट जी लोअर पोर्शन इज दिस, आप खुद देखना लोअर पोर्शन ये है, अपर पोर्शन फ्रॉम ए टू जी विच पोर्शन इज ग्रेटर, जी एफ और ए जी? ए जी इज ग्रेट, सो ए जी दैट इज अपर पोर्शन इज ग्रेटर देन द लोअर पोर्शन ऑफ द डिमांड कर्व. सो ये चीज डिनोमिनेटर ज्यादा है न्यूमिनेटर से, सो दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी एट पॉइंट जी लेस देन वन. आई थिंक सिमरन नाउ यू गॉट इट. यस बेटा तरना राइट, अगर लोअर पोर्शन ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन वन इस केस में, जैसे इसके या मैं यहाँ पे एच ले लेती हूँ इस केस में जैसे. ठीक है, में शो करते थे, मैंने आपको पहले भी कहा शो कर सकते हैं आज की डेट में. अब आप ये भी लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन में, अगर लिखा है देन इट्स फाइन. हमें मेन एक्सप्लेनेशन से मतलब है यू शुड अंडरस्टैंड नेगेटिव साइन. उस टाइम हम आपको इसलिए कराते थे बिकॉज यू आर एट ए लर्निंग स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए लगवाते थे. अब आप इसको स्किप कर सकते हो टिल द टाइम कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक लिखो. अगर आप एक्सप्लेनेशन में कंफ्यूज होते हो तो देन यू कैन राइट द नेगेटिव साइन, दैट्स अप टू यू ओनली, बट आई नीड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इन दिस केस. ओके, फॉर दैट आई यूज सजेस्ट यू ऑल इंस्टेड ऑफ द स्किपिंग नेगेटिव साइन यू शुड गो फॉर इट. ओके, इन दैट केस देयर विल बी नो कंफ्यूजन. इनफाइनाइट में जीरो, इनफाइनाइट एक्सपेंडिचर मेथड में जीरो इन इनफाइनाइट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है एक लिमिटेड सेंस में आता है. ठीक है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड, इस वजह से. आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ. So should I move further for the income elasticity of demand and the cross elasticity and the elasticity of supply? Is that clear? Okay, I have no more queries right now, so I'm moving further. So the thing is, let's move. Right now, I'm starting with the
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक ट्रिक बताती हूँ, ऐसे मैंने उस दिन भी बताई थी आपको, जो वर्ड यहां पे है जो भी वर्ड यहां पे है इनकम वाइज फॉर द इनकम, सो उसके लिए परसेंटेज चेंज ऊपर तो वही आएगा, परसेंटेज चेंज इन देखो डिवाइडेड बाय, मैं दोबारा लिख पूरा लिखती हूँ अभी, पर मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसी की भी हो यहाँ पे क्या है इलास्टिसिटी देखनी है हमने, पहला टर्म क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, दूसरा वर्ड क्या है इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम, ठीक है, सो दैट मींस डिमांड में किसकी वजह से चेंज आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इनकम, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज एडवर्टाइजमेंट होता तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ जाता, यहाँ पे सप्लाई होता डिमांड की जगह तो यहाँ पे सप्लाई आ जाता, मीन्स एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, आगे जाके कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको नॉट इन दिस ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में या कहीं पे भी आप कहीं एग्जाम दे रहे हो, ट्रिक क्या ये कि इट्स इलास्टिसिटी इज चेंज इन वन थिंग ड्यू टू चेंज इन अदर थिंग, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट थिंग क्या है डिमांड, चेंज इन डिमांड, सो हेयर वी आर हैविंग डिमांड, ड्यू टू चेंज इन इनकम सो देर इज अ चेंज इन इनकम, ठीक है, अब क्रॉस आएगा तो चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है, नाउ वी नो दैट इनकम इनकम एंड जो हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है, तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो साइन है वो क्या होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है, सो दैट मीन्स हियर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, एज इनकम डिक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्लाइन करेगी, ठीक है, सो देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, तो आप उसमें से कोई भी आ सकता है, परसेंटेज परसेंटेज एंड ज्यादातर हम प्रोपोर्शनेट ही मेथड इसमें यूज करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन इन दिस केस स्पेशली इन द इनकम या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड द क्रॉस, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू अगेन देखना वही चीज आएगी स्टार्टिंग में परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज चेंज इन, अब यहां पे क्या क्रॉस है तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ठीक है, ये जो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है ये दो टाइप्स में आता है, या तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होंगी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी होंगी, कई बार आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, अब आप मुझे बताना टाइप चैट बॉक्स में लिख के कि मैंने कौन सी एग्जांपल लिखी है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की एग्जांपल लिखी है या कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी की एग्जांपल लिखी है, सो यू हैव टू टेल मी, ठीक है, सो हियर आई एम हैविंग राइटिंग द प्राइस एंड हियर आई एम राइटिंग द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है, सो प्राइस ऑफ वाई इज 10, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी इज 100, ठीक है, प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10 टू 12
क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 120, ठीक है, ये है मेरी ए एग्जांपल एंड दिस इज माय बी. अब मुझे तब तक आप फटाफट से राइट करो, ए कॉम्प्लीमेंट्री की एग्जांपल है या सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है. डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी देन 109. ना मुझे बताओ फटाफट से क्विकली, ए किसकी एग्जांपल है एंड बी किसकी एग्जांपल है. इट्स वेरी सिंपल, जल्दी से बता दो सो दैट के वी कैन क्विकली मूव. गाइस इतना सिंपल है, हरी आप एटलीस्ट ट्राई तो करो. Yeah, I got one answer. A is complementary, B is substitute. Kajal, A what? Taruna substitute commodity what? A ke B. A column substitute. A is complementary. A complementary. A substitute. Sagar substitute what? A or B? Okay, so let me remind you, I am having very mixed kind of you can say the results from you guys. So let me ask you, A B substitute. See, one thing is, what is substitute commodities? What are substitute commodities? Substitute commodities are the commodities where in case of the price of one commodity increases, the demand for other commodity increases. And the price of one commodity decreases, demand for the other commodity declines. That means they have a positive relationship. So see, here price of Y increases, demand for X increases. So definitely this is a positive relationship. So I am having a substitute commodity relationship over here. Coming towards B, what are the complementary commodities? Price of one commodity increases, the demand for other commodity declines. The price of other commodity declines, the demand for that commodity increases. So that means there is a negative relationship between the price and quantity, just like the in case of the normal commodities. So this is the case of the complementary commodities. So sometimes examiner can ask you, the thing that is given, ek aapko question given hai, jaise ye given hai, comment on the type of the commodities and find out the elasticity. Theek hai, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी आप समझ गए. सिर्फ आपने रिलेशन देखना, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. पॉजिटिव है तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज है, नेगेटिव है तो कॉम्प्लीमेंट्री या नॉर्मल कमोडिटीज, दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो आप इस केस में या तो अगर कोई और चीज गिवन है, कुछ और कंडीशन गिवन है या कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है, सो इन दैट केस यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन to find out whether the commodities are normal commodities or the complementary commodities. ठीक है, अगर कोई और information नहीं given है, complementary is correct, normal is correct, complementary or normal अगर आप लिख रहे हो तो वो भी correct होगा. ठीक है, I hope ये चीज आप सबको clear हो गई है. ठीक है, so now let me give you an example. You can solve this. क्लास में ऑफलाइन क्लास होती तो अभी तक आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते क्लास में, बट राइट नाउ मुझे नहीं पता आप में से कितने जो है वो सीरियसली मेरी क्लास ले रहे हो. सो इफ यू आर यूजिंग द पेन एंड पेन पेपर, आई टोल्ड यू अर्लियर टू डू दिस थिंग. सो अगर आप यूज कर रहे हो तो प्लीज साथ साथ न्यूमेरिकल भी करो, एग्जांपल्स भी करो और डायग्राम्स भी बनाओ. ठीक है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू 20% चेंज इन द रियल इनकम. लेट्स सपोज पर्सन ए है, उसकी इनकम में कितना चेंज आया,
20%. समटाइम इट्स गिवन इन द कैट ए कि यहाँ से इतना इंक्रीज होगी. द कंज्यूमर डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इंक्रीजेस बाय 10%. सो द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टेलीविजन इज इक्वल्स टू 10%. ठीक है. सो द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस फ्रॉम 10%. नाउ फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जल्दी से फाइंड आउट करके मुझे आंसर दे दो. और इसमें मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर वो पूछा है कि कमोडिटीज कौन सी इंफीरियर है नॉर्मल है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप फटाफट से आंसर दे दीजिए. Waiting. एक मिनट का आंसर है. क्विकली बच्चे, क्विकली आंसर किया करो. फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम. तो चेंज उसने पहले ही आपको 10% चेंज दिया हुआ है. गुड. 0.5 इज आंसर. 0.5 आंसर कैसे आया? मैम कैन यू पार्डन द क्वेश्चन अगेन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन इज व्हाट इफ देयर इज इंक्रीज, आपकी इनकम में 20% चेंज आया है और उसकी वजह से आपके डिमांड में 10% चेंज आया, तो यू हैव टू फाइंड आउट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. दैट्स इट. 0.5. वेरी गुड. 0.5 इज द आंसर. कैसे आया मैं अब आपको बता देती हूँ. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द इनकम, 10% चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय 20% चेंज इन द इनकम. ठीक है. सो विच इज इक्वल्स टू 0.5. सो द डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट. सी बट इट्स अ 0.5, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. So the demand is, income demand is less than unitary elastic. Okay. Now one more thing. अगर इसी example को मैं, यही income change है 20% और television की quantity demanded decreased by 10%. मैंने डिक्रीज इसलिए नहीं बोला था पहले क्योंकि मैंने नेगेटिव साइन लगाया था. सो अगर मैं बोलती हूँ इंक्रीज बाय -10%, दैट मींस डिक्रीज बाय 10%. तो कमेंट ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी. यू नो नॉर्मल कमोडिटीज विद द इंक्रीज इन द इनकम क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, विद द डिक्लाइन इन द इनकम क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइंस. ठीक है. सो दैट इज द नॉर्मल कमोडिटी. नाउ इंफीरियर कमोडिटीज में, सॉरी गिवन कमोडिटी, तो जहां पे आपकी इनकम इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन होती है, राइट. सो इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज गिवन एंड क्वेश्चन आपको पूछा गया या इस टाइप का भी गिवन है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे टेलीविजन नहीं लिखा, तो पूछा गया कि कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द कमोडिटी, देन यू कैन सिंपली से दैट वेदर द कमोडिटीज आर नॉर्मल कमोडिटी और सब्स्टिट्यूट कमोडिटी और कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी, राइट. सॉरी इंफीरियर और गिफन और यू कैन से द नॉर्मल कमोडिटीज, राइट. वेरी गुड. शाबाश. आई एम फीलिंग गुड क्योंकि आप सब बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे हो. स्पेशली चाहे आंसर गलत भी हो, डजंट मैटर, बट यू गाइज आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, सो दैट इज रियली गुड फॉर मी. नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ लेट्स सपोज एक्स एंड वाई
दो कमोडिटीज हैं मेरे पास, एक्स एंड वाई आर टू कमोडिटीज. नाउ लेट्स सपोज देर इज ए 10% रिडक्शन इन प्राइस, मतलब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है बाय द 10%. ठीक है, अब इसकी वजह से प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, सो इसकी वजह से मेरी क्वांटिटी डिमांडेड फॉर वाई कमोडिटी जो है वो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ है, इंक्रीज आ गया बाय 15%. प्राइस के 10% डिक्लाइन होने से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई कमोडिटी इंक्रीज हो गया 15% से. फाइंड आउट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कमेंट ऑन द टाइप ऑफ द कमोडिटी एंड डू इट फास्ट. वेरी गुड तरुणा, आपने मुझसे पूछने से पहले रिप्लाई कर दिया, वेरी गुड. मैं आंसर नहीं बोल रही हूँ बाकियों को भी आंसर करने के लिए, बट अदरवाइज योर आंसर इज करेक्ट. नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द टेलीविजन इज अ गिफन कमोडिटीज, राइट. द इनकम एंड द नॉट लाइक नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टेलीविजन, बट द इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इज गिफन कमोडिटी. यू आर राइट फॉर यू. Very good. So the quantity demanded, change in the quantity demanded. Now question क्या है, change in the quantity demanded of y, percentage change in the quantity demanded of y due to percentage change in the price of x commodity. ठीक है, so the percentage change in the quantity demanded 15 डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज है 10. अब ये डिक्लाइन है सो ये नेगेटिव साइन रहेगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक बिकॉज वैल्यू इज 1.5 एंड एक्स एंड वाई अगर नहीं गिवन है तो यू शुड मेंशन एक्स एंड वाई कौन सी कमोडिटीज है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटीज, राइट, आइदर द कॉम्प्लीमेंट्री और द नॉर्मल. Complimentary, sorry, because the comment will be on that side. Karuna, 1.67 कैसे आया? Can you explain it? But I have explained it कि 1.5 कैसे आएगा? So you should go for it. Guys, very good. I'm impressed today and I'm having good audience, I can say that. So this is all about the elasticity in of demand, right? Now let's moving towards the elasticity of supply. Okay, I told you earlier also the relationship between price and supply, there is a positive relationship between the price and supply. Jitni price high hogi utni hi supply zyada hogi, right? So there is a positive relationship between price and supply. So elasticity of supply, same cheez hai jaise demand tha बिल्कुल उसका ऑपोजिट सप्लाई है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है. ठीक है, सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि आप देखो पहले यहाँ पे डिमांड वर्ड था तो यहाँ पे डिमांड आ रहा था, अब यहाँ पे सप्लाई वर्ड है तो यहाँ पे सप्लाई आएगा, परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू percentage change in price of x commodity. कुछ mention इसलिए price ही आएगा, अगर कुछ mention होता तो हम income elasticity of supply
अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है, ये आप लिखना मत, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये ग्रीन में लिख रही हूँ, ग्रीन वाला आप यू डोंट हैव टू मेंशन इट, ओके। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता तो यहां तक तो ये सेम था, ये प्राइस की जगह पे क्या आ जाता, इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। सो क्रॉस होता तो प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, ओके। इन फ्यूचर कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो अब यू आर एबल टू आंसर इट, कि आपको कुछ क्रैम करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट नॉर क्रैमिंग, क्रैमिंग कुछ नहीं है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में जस्ट लॉजिक समझना होता है। यस बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री है। यस बच्चे, डिग्री यूनिटरी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, यस मैंने एक्सप्लेन किया था यूश के इट्स 1.5, सो इट्स मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सॉरी मैंने थोड़ा आपका चार्ट लेट देखा, I've started the supply, so doesn't matter. Okay, I have a thing I should mention this. Or if we are using the proportionate method, because proportionate ultimately comes towards percentage. Okay. So again, यहाँ पे proportionate change in quantity supply, not demanded. ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आएगा. So proportionate in price of a commodity, ठीक है? So let me use some other color so that you will able to see के मैंने कैसे change किया. Proportionate change in quantity supply क्या होता है? QS divided by original quantity supply. Change in quantity supply divided by original quantity supply. So change in price by original price, ठीक है? Change in quantity, so इसी चीज को जैसे हमने quantity demanded में किया था, same is in this case, change in quantity supply divided by change in price multiplied by quantity supply divided by price, ठीक है? If elasticity of supply is zero, जैसे हाँ degrees में जाएं इसकी, if elasticity of supply is equals to zero, अब आप आंसर करोगे, मैं नहीं आंसर करूंगी, because I have already told you about the demand. उसी टाइम मैंने आपको बोला था सप्लाई में भी यही चीज अप्लाई होगी. If elastic, अब आप मुझे बताओगे यहाँ पे जीरो का मतलब क्या होता है, इलास्टिक इन इलास्टिक व्हाट? If elasticity of supply is equals to one, if elasticity of supply is greater than one, if elasticity of supply is less than one, and last if elasticity of supply is infinite. मेरे लिखते लिखते में आप भी लिख सकते थे. आई डोंट नो आपने लिखा है कि नहीं, मैंने अभी चेक करती हूँ, बट यू शुड प्लीज जल्दी से मेंशन कर दो. ये आपको ऑलरेडी मैंने उस टाइम बताया था, कर्व्स भी बताए थे डिमांड के टाइम पे. आई जस्ट वॉन्ट टू सेव टाइम. मैम आप प्लीज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड रिलेटेड कमोडिटीज को एक बार कर्व के थ्रू समझा दो. फरीन वैसे कर्व की जरूरत नहीं है उसमें, बिकॉज इनकम जो है वो कर्व्स के शेप में आता नहीं है, ठीक है? इसलिए मैंने कराया नहीं. इफ इट इज रिक्वायर्ड देन आई विल डेफिनेटली डू इट डू दैट, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट लास्ट में अगर आई फाइल एबल टू स्टील सम टाइम फ्रॉम दिस टॉपिक, देन आई विल डेफिनेटली टीच यू, ठीक है? मैंने गलत लिखा है क्या? राइट राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तरुणा, मैंने गलत लिखा. राइट बोल मैं शायद ठीक रही थी, बट मैंने शायद टाइपिंग में गलत कर दिया. थैंक यू. हीरो इज इन इलास्टिक, इनफाइनाइट इज
perfectly elastic, very good. Zero is inelastic. ठीक है, it's perfectly elastic, very good. Okay, then one is unitary, infinite, no change in supply, very true. Sagar, one dot, we show what? Less than one unitary, perfectly inelastic. Okay, so this is unitary elastic. ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि वन से बड़ा है तो ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. ठीक है, सो इसके कर्व्स अगर मैं बनाऊं, लेट मी मेक फ्यू कर्व्स. अब आप कर्व्स में जज करना, फटाफट से जज करते जाना. मैं कर्व बना रही हूं, आप कर्व बनाते बनाते में जज कर लो. ठीक है, जैसे जैसे ही टाइप करती जाऊं, एक कर्व कंप्लीट होता जाए, आप साथ ही फटाफट से उसका आंसर लिख दो कि ये कौन सा टाइप है. सो दिस वन इज द, लेट्स सपोज फर्स्ट टू, मैं कर्व बना रही हूं, साथ साथ आप लिख भी देना पफ. ये है मेरा सप्लाई कर्व. ठीक है, लिखो फर्स्ट सब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, सेकेंड थर्ड, दिस वन इज थर्ड, देन आई हैव फोर्थ, देन आई हैव विल हैव अ फिफ्थ वन. ठीक है, फोर्थ एंड देन आई विल हैव अ फिफ्थ सप्लाई का. अब फटाफट से इसके डिग्रीज बना दो सो दैट आई कैन क्विकली मूव. Even I have to steal some. बच्चे P divided Q मैंने कर दिया है. Third is highly elastic, fourth is less elastic, one is perfectly elastic, first curve is perfectly elastic, second is perfect inelastic. शाबाश. कर्व नंबर वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, सॉरी टू, इनइलास्टिक सप्लाई, टोटली इलास्टिक सप्लाई. अरे Now coming to our third, fourth and fifth. Let's see, आप में से कितनों ने आंसर दिया इसका. Perfectly inelastic. Okay, second, third, fourth, fifth. I'm waiting for. Third is highly. Fourth is less. And fifth is unitary. Fifth is unitary. Fifth is unitary, right? देखो, unitary elastic means, देखो exactly ये मैं अब आपको समझा देती हूँ कैसे पता लगा, कईयों को जिनको नहीं पता. ये origin से pass हो रहा होगा तो means जितना change quantity, इन सब के यहाँ पे price है और x axis में quantity supplied है. So this is the point, okay? अगर ये curve supply curve इज पासिंग थ्रू ओरिजन, दैट मीन्स जितना प्रोपोर्शनल चेंज हमारा प्राइस में है उतना ही सप्लाई में है. सो दिस इज अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. ठीक है, आप फाइंड आउट कर लेना उस मेथड से भी सेम आए. नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, दिस थर्ड एंड द फोर्थ वन. थर्ड, सी यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, प्रोपोर्शनल सप्लाई में ज्यादा चेंज है या क्वान्टिटी डिमांडेड में? सी हियर, दोनों की केस में एक पफ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक है, एक लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है. ये मोर देन इलास्टिक है, ठीक है, ये लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है. या
इनइलास्टिक सप्लाई कह सकते हैं, परफेक्ट नहीं है बट इनइलास्टिक भी है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ये दोनों ही ओरिजिन से पास नहीं हो रहे, ये ओरिजिन से ज्यादा है, दैट मीन सप्लाई में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू प्राइस, और यहाँ पे प्राइस ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे सी कम हियर लाइक दिस, सो हियर लाइक दिस, सो इस केस में यू डोंट नीड टू ड्रॉ दीज थिंग्स, ओके, सो दिस इज द लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। आई होप सबको समझ आ गया होगा, ट्वेल्थ में भी किया था। फरीन वेरी गुड, आपने तो बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, मेरे लिए इजी है समझना भी। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। अगर किसी को कोई क्वेरी है प्लीज टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, इफ एनी वन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेरी प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। If anyone is having any query, please type in the chat box right now only. Third and fourth, नहीं समझ आया, थर्ड एंड फोर्थ मैं दोबारा बता देती हूँ, doesn't matter at all. See, perfectly. Let me. It is something so that के मैं आपको explain कर सकूं। Okay. So this means that third price में price C there is a less change in the price and there is more change in the demand. Sorry, supply. ठीक है, सो जो चेंज इन द प्राइस है वो लेस देन चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई है, मींस क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज है। नाउ यू कैन सी हियर सी मैंने बहुत थोड़ा सा प्राइस में चेंज किया, सी द डिफरेंस, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज हुआ एंड सेम हियर, लेट मी मेक, see this is a change in price, price mein zyada change hua quantity supply ke according, so when quantity supply mein zyada change hoga that means numerator mein zyada change hai as compared to denominator, cramming kuch nahi karni bacche, koi cramming ki zarurat nahi hai, सिंपल हमने देखना किस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में ज्यादा चेंज है तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर में ज्यादा चेंज है तो ग्रेटर देन वन होगी वैल्यू, ठीक है, सो हियर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शुड बी ग्रेटर देन वन। नाउ इन दिस केस नाउ लुक एट दिस, प्राइस में ज्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी सप्लाई, मीन्स डिनोमिनेटर में ज्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू द न्यूमिनेटर, सो द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन इन दिस केस। So, यहां पे दोनों में इक्वल चेंज है, पासिंग थ्रू रीजन एक, सॉरी अब मेरे से ये थोड़ी सी लाइन ठीक नहीं बनी है और ये पूरा रेज होगा, दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ डिजिटल बोर्ड। बट आई एम यूजिंग स्टिल, आई एम सी देर इज ए इक्वल चेंज इन द प्राइस एंड इक्वल, थोड़ा ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना मेरे से, सो इक्वल चेंज इन प्राइस, इक्वल चेंज सेम, 4% चेंज उसमें है, 4% चेंज उसमें है, तो देयर इज अ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू 1। आई गेस साहिल नाउ यू गॉट योर आंसर, नो आ गया मैम कौन आ गया, सॉरी बट यह प्लीज मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ, प्लीज पूरा क्वेश्चन किए लिखा करो, अदरवाइज आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वॉन्ट टू से। इनइलास्टिक बच्चे सिंपल सी बात है, मैं आपको कहना कुछ नहीं, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत, ये देखो
ये है मेरी क्वांटिटी सप्लाई, इसमें देखो कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इनइलास्टिक हुई ना, कुछ नहीं चेंज आ रहा, प्राइस में चेंज आता जा रहा है, कोई सप्लाई में चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई उतनी हो रही है मार्केट में, इनइलास्टिक है, कोई चेंज नहीं है. गॉट इट? आई होप आपको क्लियर पता है. देखो बेटा रट्टा क्वेश्चन की कहीं जरूरत नहीं है, बस आपने लॉजिक अप्लाई करना. इनइलास्टिक का मतलब है कि वो चेंज नहीं हो रही, इलास्टिक का मतलब है ज्यादा चेंजेस नहीं हो रही है, इनका आ गया तो नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली द कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो क्यू एस है, क्यू एस में तो चेंज ही नहीं आ रहा, चेंज किस में आ रहा, सारा प्राइस, प्राइस में चेंज आ रहा, तो दैट्स इट, नो क्रैमिंग एट ऑल, जस्ट अप्लाई अ सिंपल माइंड एंड जस्ट अ लॉजिक, दैट्स इट, नथिंग एल्स, यू आर, यू डोंट नीड टू क्रैम, सॉरी क्रैम. ओके आई गेस नाउ यू गॉट इट. इलिस्ट्रेशन से समझा देती हूँ, मैंने नहीं निकालनी है, आपने निकालनी है, मैंने निकाल मतलब बताने ही लगी थी अभी आपको, आई वाज जस्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग टू. सो दिस इज द प्राइस 15 25, क्वांटिटी सप्लाई 100 150, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? परसेंटेज चेंज नहीं गिवन है, इसमें लगेगा प्रोपोर्शनेट चेंज वाला, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई. दैट मींस जहां पे मैंने मिस्टेक की थी, क्यूएस, चेंज इन क्यूएस, चेंज इन क्यूएस कैसे निकलेगा? 150 माइनस 100. चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा? 25 माइनस 15. ठीक है, सो लेट अभी मैं इस टाइम ध्यान से देख के लिखती हूँ, दोबारा मैं मिस्टेक नहीं करूंगी. ठीक है, प्राइस इन दी, प्राइस डिवाइड बाय क्वांटिटी सप्लाई. सो दिस इज 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15. ठीक है, सो इन नाउ हियर द ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड. ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 15. ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 100. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर. हरी आप जल्दी से आंसर फाइंड आउट करो. Axis, it means this is elastic. If supply curve somewhere x-axis, it means inelastic. Easy way to learn. Mera logic to kuch bhi apply kar lo. How much logic? Yaad karne ka logic hai, but the thing is, aapko karne ki zarurat nahi hai. The reason is that कि आप सिंपल देखना, क्यूएस में ज्यादा चेंज है या प्राइस में ज्यादा चेंज है, दैट इज दी हाउ इजी टू लर्न. 6 6, सिमरन सिमरन सिमरन, 3 3 बार, 6 4 बार, माय गॉड, 7.66 0.75. मैम फेयर टीरियल गेट. दीपांशी बच्चे, आप एसवेल की वेबसाइट से ना बीए प्रोग्राम का मटेरियल डाउनलोड कर लो, अदरवाइज मैंने ग्रुप में कुछ ई बुक्स भी दी थी, अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ना चाहते हो, मींस एक स्टैंडर्ड टाइप पढ़ना चाहते हो, तो देन यू कैन गो फॉर द ई बुक्स जो मैंने ग्रुप में शेयर की थी. ठीक है, आई रिक्वेस्ट एनीवन, एक कोई पर्सन प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना पीडीएफ्स, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो. Getting really different answers. 0.75, 0.6, 0.66, 6, 8, why? 80% तो आंसर मैंने बता दिया, बस कैलकुलेशन ही तो करनी थी.
दीपांशी, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन. आंसर शीट इज 0.75. दैट मीन्स लेट्स सपोज आंसर इज 0.75. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, सो इफ आई कैलकुलेट देन आई विल टेल यू. इन दैट केस आई विल से elasticity of supply is 0.75. That means the less than unitary elastic. That means this diagram will go. If it is more than one, so in that case this diagram will go, and I'll say it's a more than unitary elastic supply. The panchi bache, mein I have already answered so many times. You have asked. Main ek baar mein pad leti hu. Oh my god. मैं इको की बात कर सकती हूँ दीपांशी, बाकी सब्जेक्ट का काम बाकी टीचर जाने. मैं तो अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ. तरुणा, इट्स नॉट 0.075, इट मे बी 0.75 और समथिंग लाइक दैट. आई गेस आई मेक माई सेल्फ वेरी मच क्लियर टू यू गाइस. I think so. Everybody is clear. So, is there any further question and query? But I don't know about you guys, but today I have enjoyed my class. That आज लगा मुझे कोई अच्छी सी conversation हो रही है, one to one conversation. सो प्लीज गाइस डू वन थिंग, जस्ट रीड द बुक. जो भी आपके पास मटेरियल है, अगर आपको वो बुक्स ई बुक्स नहीं पढ़नी है, तो आप SOL की वेबसाइट से जो स्टडी मटेरियल है वो भी डाउनलोड कर सकते हो. एंड दैट्स ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में अवेलेबल है. सो यू कैन गो फॉर दैट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, देन आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है, अगर नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको यही बोलूंगी, अगर कोई इस लेक्चर से कोई इश्यू है, तो आप प्लीज 2-4 मिनट पहले ज्वाइन करके आप क्वेश्चन आंसर में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो वो मुझ तक क्वेश्चन पहुंच जाता है पहले ही. ठीक है, सो मैं क्लास स्टार्ट ही वहीं से करती हूँ, जैसे आज 2-3 स्टूडेंट्स ने किया था, तो मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था. आई एम ऑलरेडी यशवी गिवन यू ई बुक्स, यू कैन गो फॉर दैट illustrations के लिए. ठीक है, okay guys, you have a nice day, bye bye.